अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मानिया बाय अनाया। आई एम आयशा एंड टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ जूसी बीफ बर्गर विद 3 डिफरेंट सॉसेस। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मुझसे भी वेट नहीं हो रहा आपको मज़े की जूसी बर्गर की रेसिपी सिखाने के लिए, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स अ रेसिपी। चले चलते हैं जूसी लूसी बीफ बर्गर बनाने की तरफ। इस बर्गर को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे बर्गर बंस, साथ में कुछ सलाद के पत्ते और इस तरह से स्लाइस में कटे हुए टमाटर। 4 से 5 टमाटर लेकर आप इस तरह से स्लाइस में कट कर लिए। अब यहाँ पे मैं बर्गर बन को लेके दोनों साइड्स पे उसकी बर्गर की जो अंदर वाली साइड होती है उसके ऊपर मैं बटर अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से, लाइक दिस। इस तरह से आप सारे बर्गर की अंदर वाली साइड पर अच्छी तरह बटर अप्लाई कर लें। सब बर्गर्स पे अच्छी तरह से बटर लगा लिया है। असेंबलिंग की चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं बनाऊंगी 3 डिफरेंट तरह के सॉसेस इसके साथ सर्व करने के लिए, इसको असेंबल करने के लिए। लुक एट दिस कलरफुल बैटर। इसको मैं साइड पे रखती हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सॉसेस हैं, 1 विद मायोनीज विद हनी मस्टर्ड, दिस इज मायोनीज विद बारबेक्यू सॉस एंड दिस इज सिंपल मायोनीज एंड केचप। इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी, लाइक दिस। ये हमारा हनी मस्टर्ड विद मायो सॉस तैयार है। दिस वन इज बारबेक्यू सॉस विद मायो, ये भी तैयार है। दिस इज सिंपल केचप विद मायो। ऑल 3 आर रेडी। अब चलते हैं बर्गर पैटीज की तरफ। बर्गर पैटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम्स ऑफ बीफ का कीमा लिया है और इसमें ऑलमोस्ट 20% ऑफ फैट है, मतलब इसमें चर्बी भी ऐड हुई हुई है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए आपस में। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 बटर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, वर्सेशायर सॉस 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर, इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही क्योंकि आलमंड के इसमें जो टेस्ट कॉम्प्लीमेंट करे वो बीफ का अपना एक फ्लेवर जो होता है वो ज़्यादा है। इसके साथ मैं इसमें बाइंडिंग के लिए एक अंडा ऐड करूँगी, इन केस एक बहुत स्पेशल टिप है जो मैं आपको देने लगी हूँ। अगर इससे अंडे से आपका जो पैटी है प्रॉपरली बाइंड ना हो पाए और आपको लगे कि पैटीज टूट रहे हैं, आप इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर लीजिएगा, आपके बर्गर पैटी कभी भी नहीं टूटेंगे। अब इसको मिक्स करते हैं जल्दी से। बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सांचा लिया है। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। हाथ से जितना सा नॉर्मल आप किसी भी कबाब को शेप देते हैं उस तरह से दे लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास ये है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप इस तरह से सारा जो कीमा है उसको रख के, जो हमने रेडी किया है मिक्सचर, उसको रख के ऊपर से प्रेस कर लें इस तरह से। इस पर बहुत अच्छी सी लाइन्स आ जाएंगी, इम्प्रेशन आ जाएगा एक पैटी पे, और अच्छी तरह प्रेस करना है आपने इसको यहाँ पे। कैन यू सी, इस पर बहुत अच्छी सा इम्प्रेशन आ चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। प्लेट में निकालने के लिए मैं इसको प्लेट में उल्टा करके ऊपर से हल्का सा टैप करूंगी तो
ये पैटी हमारे बाहर आ जाएंगे खुद बखुद। इन केस जस्ट इन केस आपको डिफ़िकल्टी होती है इस तरह से डील करने में, आपको इसको डील करना नहीं आता, तो आप इसमें वो जो क्लिनिक फिल्म आती है आप उसको लगा के ट्रांसपेरेंट शीट को डाल के लगा के उसको उसके ऊपर आप अपना जो घीमे का मिक्सचर है वो रख के और ऊपर से प्रेस कर दें और फिर उसको निकाल लें तो आपका पैटी आराम से निकल आएगा। यहाँ पर मैं ग्रिल पैन को ग्रीस कर रही हूँ बटर से, अच्छी तरह ग्रीस कर लें। और अब मैं इसमें बहुत केयरफुली अपने पैटीज़ को रखूँगी ताकि वो टूटे ना। और एक तरफ से आपने इसको अच्छी तरह कुक होने देना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। एकदम से रखते ही आपने साइड नहीं चेंज कर देनी, अदरवाइज़ आपके पैटीज़ टूट जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं बंद करके 4 to 5 मिनट्स के लिए एक साइड से कुक होने दूँगी और फिर मैं ओपन करके इसकी साइड चेंज करूँगी। ये एक तरफ से कुक हो चुके हैं। यहाँ पे साइड चेंज करने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, बिकॉज इससे बड़ा अच्छा एक ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ जाएगा इस पे। अब मैं इन 20 पैटीज पे 20 पैटीज रखूंगी, वन बाय वन सारे पैटीज पे अपने स्लाइसेस रख लेने हैं। अब मैं इसी पैन में अपने जो बर्गर्स को जिनको मैंने बटर लगाया था उनको साथ साथ इस तरह हल्के से सेक लूँगी ताकि आपके बर्गर्स भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और अंदर एक नाउ टाइम कम्स फॉर असेंबलिंग। असेंबलिंग के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने अभी सॉसेस तैयार किए हैं, अपनी पसंद से आप कोई भी तीनों में से सॉस यूज़ करके अच्छी अमाउंट में, आई वॉन्ट माई बर्गर जूसी, तो मैं सही तरह से कंजूसी से नहीं खुल के लगा रही हूँ इस पर सॉस। इसके साथ मैं इस पर रखूँगी लेटस लीव्स, और यहाँ पे मैं इस पर रखूँगी टमाटर, और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना बर्गर पैटी, चीज़ी जूसी बर्गर पैटी। सो यहाँ पे ये हमारा बर्गर तैयार है, रेडी टू ईट। तो जी ये बर्गर्स तैयार हैं यहाँ पे, जूसी लूसी बीफ बर्गर। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़। यम्मी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो।